बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास फॉर ग्रेड 10। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ईदर एसिडिक, बेसिक और अल्कलाइन और न्यूट्रल। दिस टॉपिक इज़ मेंशन इन चैप्टर नंबर 10 ऑन पेजेस 35 एंड 36 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। First, I'm going to define indicators. Indicators are the organic compounds. They have different colors in acidic and alkaline solutions. Indicators, जैसा कि नाम से जाहिर है कि indicate करने वाले, किसी चीज़ की निशानदेही करने वाले। अब ये किस चीज़ के बारे में आपको indicate करके बताते हैं या मालूम करके बताते हैं, और ये हैं क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, यानी इनमें जो अहम इनके कंपोनेंट्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, किसमें? एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशंस में। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने मैं तीन तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस रख दूँ, ये आपके सामने तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, बीकर वन, बीकर टू, मैं इस तरह से कह देती हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ये इंडिकेट नहीं कर रही, ये नहीं बता रही कि ये तीनों सॉल्यूशंस क्या हैं और इनमें क्या क्या लिया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी, एंड आई हैव टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ऑल दीज बीकर, बट दीज सॉल्यूशंस आर डिफरेंट इन नेचर। हो सकता है कि इनमें एक एल्कलाइन हो, एक एसिडिक हो, या तीसरा न्यूट्रल सॉल्यूशन हो। तो इसमें सबसे पहले ये कि इसमें जैसे ही आप इंडिकेटर्स डालेंगे इन सॉल्यूशंस के अंदर, क्या होगा? फौरी तौर पे इंडिकेटर्स की मदद से जो भी सॉल्यूशन का कलर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा या इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। तो इस चेंज ऑफ कलर यानी डिफरेंट कलरेशन के साथ जब इंडिकेटर्स किसी भी एसिडिक, अल्कलाइन या इवन न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर्स देते हैं, इन कलरेशन की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक, अल्कलाइन स्पेशली और न्यूट्रल जो है वो सॉल्यूशन की इंडिकेशन करते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनका पीएच मैंने आपको बताया था कि किस पर होता है, पीएच नॉर्मली 7 पे रिजाइड करता है, वाइल अल्कलाइन सॉल्यूशन हैव मोर देन 7 पीएच, वाइल द एसिडिक सॉल्यूशन हैव लेस देन 7 पीएच। सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर नॉर्मली और देयर नेचर कैन बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज एग्जांपल्स। सो देयर आर थ्री कॉमन इंडिकेटर्स, थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स विच आर यूज इन केमिस्ट्री लेबॉरेटरी। फर्स्ट वन इज लिटमस विच इज़ द कॉमन इंडिकेटर, सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज, एंड द थर्ड इंडिकेटर इज फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन, सो आई एम राइटिंग इन उर्दू, फिनोफ्थिलीन, इस तरीके से आपने इसको प्रोनाउंस करना है, फिनोफ्थिलीन। सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर नॉर्मली यूज टू डिटेक्ट डिफरेंट पीएच ऑफ सॉल्यूशंस और टू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशंस, एंड द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस नॉर्मली दे आर यूज टू मेजर आर एसिडिक एंड अल्कलाइन। फॉर एग्जाम्पल फॉर लिटमस विच इज़ द कॉमन इंडिकेटर, इफ आई विल टेक टू बीकर and pour some amount of acid and alkali in the second beaker or alkaline solution in the second beaker, and afterwards I'll add litmus solution or litmus indicator in both beakers. मैंने क्या किया है बेटा, मैंने एसिड और अल्कलाइन या अल्कली का जो है वो सॉल्यूशन लेने के बाद दो बीकर्स में इनको पोर कर दिया है, यानी एसिड सॉल्यूशन भी ले लिया है जो कि कलरलेस था पहले, और अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया जो कि आपको कलरलेस फॉर्म में ही अवेलेबल होगा। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू विल ऐड लिटमस एज एन इंडिकेटर इन एसिड,
तो जैसे ही आप लिटमस को एसिड में ऐड करेंगे, ये आपको देगा रेड कलरेशन, यानी पूरा का पूरा जो ट्रांसपेरेंट आपका सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। ये क्लियर होगी बात आपको कि जैसे ही लिटमस सॉल्यूशन को आपने एसिड में ऐड किया, एसिड ने क्या कलरेशन शो की, एसिड ने लिटमस के साथ रेड कलरेशन शो की। तो नॉर्मली लिटमस गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, व्हाइल इन केस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन लिटमस गिव्स ब्लू कलरेशन। यानी पहले ये सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट था, कोई इसका कलर नहीं था, नाउ विच कलर विल अपीयर, ब्लू कलर। सो फाइनली इट प्रूव्स दैट बाय एडिंग लिटमस सॉल्यूशन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन और ओनली लिटमस इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, इट गिव्स ब्लू कलरेशन विद एल्कली। इज इट क्लियर टू यू? द सेकेंड इंडिकेटर हियर वी आर यूजिंग इज मिथाइल ऑरेंज। सो फॉर दिस पर्पज आई एम अगेन मेकिंग टू बीकर्स विथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वन इज एसिडिक एंड अदर वन इज एल्कलाइन। सो दिस वन, फर्स्ट वन इज एसिडिक सॉल्यूशन, व्हाइल द सेकेंड वन इज एल्कलाइन, अगेन कलरलेस सॉल्यूशन। बट आफ्टर पोरिंग द मिथाइल ऑरेंज इन दैम, सो आई एम नाउ पोरिंग और एडिंग मिथाइल ऑरेंज अगेन an indicator. Methyl orange is also an indicator. So after adding methyl orange in acidic as well as alkaline solution, different coloration will appear, because before adding methyl orange they are transparent, they are colorless. So what happens after the addition of methyl orange? Now again in case of acidic solution, the whole solution will become red. So methyl orange gives red coloration with methyl orange. While what you will observe in alkaline solution, what happens in the alkaline solution if you will add methyl orange? So students, what are you observing? Yes, I'm making the alkaline solution yellow with methyl orange. So it indicates that methyl orange gives which color? I'm writing over here yellow coloration with alkaline solution. So methyl orange जो है वो alkaline solution में येलो कलरेशन देता है, जिससे ये इंडिकेट हो गया कि इंडिकेटर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर्स के साथ अपीयर होते हैं, और जिससे हमें नेचर यानी एसिडिक और एल्कलाइन नेचर के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर रखता है और कौन सा सॉल्यूशन एल्कलाइन है। नाउ द थर्ड इंडिकेटर इज़ फेनाफ्थिलीन, विच इज़ अ कॉमन इंडिकेटर एंड नॉर्मली यूज in different titration method, which are normally called the acid-base titration or acid-base analysis, which is basically used or termed as titration. So for this purpose I'm again explaining you by the help of two beakers, first beaker with the acidic solution and the second beaker is with alkaline solution. So suppose it is acidic and in this beaker we have taken alkaline solution, हमने एक बीकर में एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया है और दूसरे बीकर में हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, एल्कलाइन सॉल्यूशन है। नाउ वी आर यूजिंग आवर थर्ड इंडिकेटर एंड वी आर नाउ गोइंग टू पुट और पोर फेनाफ्थिलीन दिस टाइम, फेनाफ्थिलीन। नाउ आफ्टर एडिंग फेनाफ्थिलीन इन एसिडिक एंड एल्कलाइन, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, व्हाट चेंज ऑफ कलर विल बी ऑब्जर्व? सो इन acidic solution basically it remains colorless, having no color, so no change in coloration will be observed. While in case of alkaline solution, I'm again using the red marker, so finally it indicates you that in alkaline solution phenolphthalein gives red coloration. Which color will appear? Red color. So it is finally proved
by that these three different types of indicators, which are the organic compounds, and they give different colors in acidic and alkaline solution. So it is proved in front of you. So after different types of indicators, now you are going to write the next heading explanation. Each indicator has a specific color in acidic medium. हमने जैसे कि लास्ट अपनी बीकर्स वाली एक्सपेरिमेंट में देखा कि हर इंडिकेटर जो है वो अपना एक मखसूस कलर जो है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में देता है, और ये स्पेसिफिक कलर जब वो एसिडिक मीडियम में देता है तो अल्टीमेटली चेंजेस एट अ स्पेसिफिक पीएच, यानी दूसरे ही मीडियम यानी बेसिक मीडियम में ये अचानक से ये होता है कि अपना दूसरा कलर ये किसी स्पेसिफिक पीएच पर चेंज कर लेता है. तो इट कैन बी क्लियर्ड बाय दिस एग्जांपल. फॉर एग्जांपल अगेन फिनोफ्थलीन हम ले रहे हैं यहाँ पर, फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर. सो फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन बेसिकली क्या मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ कलरलेस इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन. ये नॉर्मली कैसी रहती है, ये स्ट्रॉन्गली जिसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड. मैं इसे यहाँ पर अगर ये लिख दूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड में फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो ये कलरलेस होती है, यानी ये इंडिकेटर कोई भी कलर नहीं देता. जबकि फिनोफ्थलीन को अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कली में ऐड कर दें, अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको डाल दें, तो उसमें इसका कलर मैंने आपको बताया था कि रेड हो जाता है. अब यहाँ पर अचानक से ये जो चेंज ऑफ कलरेशन आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली को जब आपस में मिलाया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो पहले हमारे पास जो कलरेशन होती है वो कलरलेस है. तो एट स्पेसिफिक पीएच ये काम होता है, यानी यूँ समझ लें कि इनके दरमियान में एक पीएच रिजाइड करता है, एक पीएच होता है जिस पर आप इस चेंज ऑफ कलर को ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हर इंडिकेटर का अपना एक मखसूस कलर होता है एसिडिक मीडियम में. लिहाजा फिनोफ्थलीन का मखसूस कलर क्या है कि ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन दूसरे इंडिकेटर्स का होता है. नाउ विथ चेंजेस एट अ स्पेसिफिक पीएच, तो वो कौन सा स्पेसिफिक पीएच पे है जिस पर ये चेंज होता है टू अनदर कलर इन बेसिक मीडियम, यानी ये दूसरे कलर में चेंज होता है, यानी किस कलर में, अनदर कलर कौन सा है, रेड कलर. कौन से मीडियम में, बेसिक, या इसको हम स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन या मीडियम भी कह सकते हैं. तो ये कौन सा पीएच है, दिस पीएच इज 9, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि पीएच स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 अप्रॉक्सीमेट 9 तक जो कलरेशन रहती है फिनोफ्थलीन की, वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस रहता है. जबकि मोर देन दिस पीएच, दैट इज पीएच 9, या यहीं से हम स्टार्ट ले लेते हैं 9 to 14, जो पीएच की रेंज है हमारी, वहाँ पर हमारा जो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर फिनोफ्थलीन का कलर रेड हो जाता है. तो बेसिक मीडियम में ये अनदर कलर यानी दूसरा कलर देता है, और किस पीएच पर ये तब्दीली होती है, एट पीएच 9. सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक पीएच. नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन, and this representation is actually dealing with the colors of different indicators which are in front of you at different pH solutions. So pH range starting from 0 to 14 in front of you. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिथाइल ऑरेंज जो है और लिट में जो भी आपके पास इस पर इंडिकेटर्स हैं, दे गिव डिफरेंट कलरेशन इन एसिडिक एज वेल एज एल्कलाइन सॉल्यूशन. और इस वक्त हम जो पहली चीज़ ड्रॉ करने वाले हैं वो है मिथाइल ऑरेंज के साथ अपना पहली जो है पीएच सॉल्यूशन की रेंज, एंड दैट इज़ एक्चुअली एट 4. तो ये हमारी 4 की रेंज तकरीबन आ रही है यहाँ पर, विच इंडिकेट्स दैट ये आपका कौन सी रेंज आती है, इसमें आपके एसिड्स या एसिडिक सॉल्यूशन आते हैं. तो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिथाइल ऑरेंज रेड कलरेशन जो है वो देता है, और ये रेंज आपकी आ रही है 0 से लेके अप्रॉक्सीमेट 4 तक. सो यू हैव टू मेमोराइज द रेंज और पीएच वैल्यू फ्रॉम 0 to 4 फॉर मिथाइल ऑरेंज विच गिव्स द रेड कलरेशन इन एसिडिक सॉल्यूशन, वाइल फॉर अल्कलाइन सॉल्यूशन इट गिव्स, ये हमारी अल्कलाइन की रेंज आ जाती है. अब अल्कलाइन सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज की जो कलरेशन होती है वो येलो कलर ये देता है,
और येलो कलर की जो रेंज है पीएच की वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 4, पीएच स्टार्टिंग फ्रॉम 4 अप टू 14। यानी इस पीएच वैल्यू के अंदर अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो रहता है। आफ्टरवर्ड्स लिटमस, नेक्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस बेसिकली गिव्स द रेड कलरेशन इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड द पीएच वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 7। ये आपकी सेकेंड वैल्यू जो फॉल कर रही है ये 7 पे फॉल कर रही है। एंड इन दिस एसिडिक सॉल्यूशन द कलरेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन विल बी रेड, दैट एक्चुअली ड्यू टू द लिटमस विच इज़ एन इंडिकेटर। एंड द रेंज ऑफ पीएच इज फ्रॉम 0 टू 7। आफ्टरवर्ड्स अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलरेशन चेंज करेंगे एंड द कलरेशन ऑफ लिटमस इन अल्कलाइन सॉल्यूशन इज ब्लू एंड द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अप टू 14। 7 से लेके 14 ये पूरी रेंज आपकी इसमें इस पीएच वैल्यू में रिजाइड कर रही है। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज फेनाफ्थिलीन एंड फेनाफ्थिलीन बेसिकली गिव्स नो कलरेशन इन एसिडिक सॉल्यूशन इन द रेंज ऑफ पीएच। पीएच की रेंज यहाँ पर क्या होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। यानी यूँ समझ लें कि फेनाफ्थिलीन का एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कोई कलर नहीं होता। किस रेंज के अंदर, किस पीएच वैल्यू के अंदर, फ्रॉम 0 to 9। यानी 0 से 9 तक जो भी आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें फेनाफ्थिलीन कोई कलर नहीं देगा। वाइल इन केस ऑफ alkaline solution what will be the color or what will be the coloration normally phenolphthalein gives, so it basically gives the red coloration and the range of pH in this area in this alkaline solution is starting from 9 to 14. Now dear students, next heading which you are going to give is indicators used in titration. Now indicators are used in titration means that meaning of titration you have to know. Titration means the chemical analysis in which the neutralization reaction occurs. Titration kya hai? Titration ek aisi chemical analysis hai jo chemistry lab mein hum kyu karte hain, taaki hum acid aur saath saath apne base ka jo reaction hai, acid and base reaction hum observe karte hain. Acid aur base ko jo hai wo aapas mein react karwa ke सॉल्ट और वाटर हासिल करने का जो पूरा हमारा एक प्रोसेस है उसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। सो एसिड बेस रिएक्शंस नॉर्मली आर कॉल्ड द टाइट्रेशन एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस आर सॉल्ट एंड वाटर। एंड इन दिस केस वी आर यूजिंग ऑल्सो द इंडिकेटर्स। हमारा यहाँ पर जो अहम काम है, अहम चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। और जहाँ पर हमारा कलर चेंज ऑब्जर्व होता है हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि एसिड बेस रिएक्शन के दौरान जो टाइट्रेशन का अमल हुआ उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके चेंज ऑफ कलरेशन इंडिकेटर्स के साथ देंगे तो इसका मतलब है वहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा टाइट्रेशन प्रोसेस है। Now different types of indicators are giving different coloration and at different pH they are normally used to change their colors. Starting from अगर हम मिथाइल ऑरेंज से शुरू करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलरेशन हमने नोट किया अपनी रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन में वो क्या था कि इसने रेड कलरेशन दी थी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और जो चेंज ऑफ कलर ऑब्जर्व हुआ था पीएच पे वो पीएच 4 थी और हमारे पास जो अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका कलर ऑब्जर्व हुआ था वो येलो हुआ। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है दैट इज़ कॉल्ड द लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस इंडिकेटर। और लिटमस का जो कलर होता है इन एसिडिक सॉल्यूशन इट इज़ रेड एंड चेंज ऑफ कलर वॉज ऑब्जर्व एट 7। यानी जो भी चेंज ऑफ कलर होता है वो 7 पे ऑब्जर्व होता है एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर ब्लू हो जाता है। वाइल इन द केस ऑफ फेनाफ्थिलीन, फेनाफ्थिलीन सो इन केस ऑफ फेनाफ्थिलीन इन एसिडिक सॉल्यूशन इट रिमेन्स कलरलेस एंड द चेंज ऑफ कलरेशन ऑब्जर्व एट पीएच 9
एंड द चेंज ऑफ कलर यानी किस में चेंजेस हुई, ये रेड कलर में चेंज हुआ एट अबाउट इन विच सॉल्यूशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन एट अबाउट पीएच 9. सो दीज आर ऑल वैल्यूज ऑफ पीएच रेंज, पीएच वैल्यूज एट विच द वन फॉर्म वन नेचर दैट इज द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस इनटू द अल्कलाइन नेचर. Now some indicators here we are writing like methyl orange, litmus, phenolphthalein. So there are some methods used for measuring pH of solution as well, and there are different methods by which we can find out the pH value of different types of solutions. So these two methods or the measuring method are given here. Number one, universal indicator. What is the first method? Universal indicator, while the second method is called the pH meter. pH meter. What is universal indicator method? That some indicators are used as mixture. इसकी खास बात ये होती है कि universal indicators का जो भी measuring का या pH measuring का एक तरीक़ेकार होता है उसमें बहुत सारे आप जो हैं indicators को mixture के तौर पर use करते हैं. So one of the most important thing that the indicators here are used as mixtures, and these mixtures basically in or mixture indicator give different colors at different pH values. Inki khas baat dusri baat ye ki ye mukhtalif colorations mein aapko nazar aayenge, mukhtalif coloration mein appear honge, jisse hame pata chal jayega ki fala pH hai ya jitni bhi pH range hai usme acidic solution hai ya alkaline solution hai. Hence it is used to measure the pH of solution. लिहाजा इससे हमें पता चल जाता है कि solution की pH कैसे नापी जा सकती है और कैसे उसको measure किया जा सकता है. And such a mixed indicator is called universal indicator. इस तरह के जो mixed indicator होते हैं, जो mixture की शक्ल में पाए जाते हैं और जिनके ज़रिए different coloration जो है वो appear होती है और उसके ज़रिए बाकायदा तौर पर आप किसी भी solution की pH को find out करते हैं, basically called universal indicator. Now what is the method by or simply you can say the process by which you can use the universal indicator. वो कौन सा तरीका है जिससे आप universal indicator का इस्तेमाल करते हैं, use करते हैं? So simple thing के the pH of solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper in solution. इसमें किया क्या जाता है? In front of you universal indicator paper is given, यानी ये universal indicator आपके सामने कुछ colors of universal indicator की शक्ल में मौजूद होते हैं जिसमें red, light red, pale red, orange, yellow, green, blue, up to pink coloration जो है वो ये different coloration में आपको available होते हैं. तो इसमें आप करते क्या हैं कि first you have to take that simply the pH of solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper. मिसाल के तौर पर again I am taking a beaker over here. मैं एक beaker ले रही हूँ यहाँ पर और beaker के अंदर for example मैंने solution डाल दिया. मुझे ये नहीं पता कि इस solution का nature क्या है, ये acidic है या basic है, या acidic है या alkaline solution. तो मुझे इसके लिए क्या चीज़ प्रोवाइड की जाएगी? एक ऐसा वाइट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जिसको मैंने सिंपली ये कह दिया है कि ये एक पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, यानी एक ऐसा यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है जिसको मैंने क्या करना है, डिप करना है सॉल्यूशन के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इसके अंदर डिप कर दिया और डिप होने के बाद सॉल्यूशन में फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये हिस्सा जो कि डिप हुआ हुआ है ये कलरेशन दे रहा है ब्लू कलरेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैसा अपीयर आ गया है, यानी अपीयरेंस कैसी होगी इसकी, ये ब्लू हो गया है. तो आफ्टर डिपिंग इन दिस सॉल्यूशन विच आई डोंट नो विच सॉल्यूशन इज दिस, इधर यू कैन से अल्कलाइन और एसिडिक, बट द पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर गिव्स ब्लू कलरेशन इन दिस सॉल्यूशन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस पीस ऑफ पेपर दैट पीएच इज देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेंड विद अ कलर which is mentioned in the colors of universal indicator. For example, ये range हमारी अगर हम colors में देखें according to book हम move करें तो ये तकरीबन color हमारा 11 पर आता है. ध्यान से आप देखिएगा कि ये तकरीबन not exactly यही color हम मैं draw कर रही हूँ, लेकिन ये range आपकी जो भी blue coloration की आएगी वो किस pH पे आ रही है, pH 11 पे आ रही है. तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि इस
सॉल्यूशन की नेचर क्या है, तो ये क्यों कैसी नेचर रखता है और क्यों ऐसी नेचर रखता है, ये आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। कैसे पता चला? क्योंकि हमारी जो पीएच रेंज होती है अल्कलाइन सॉल्यूशन की, वो ग्रेटर देन होती है 7 से, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो ब्लू कलर आ रहा है वो पीएच 11 पे आ रहा है, और पीएच 11 पे आने वाला जो भी आपका जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन है, क्योंकि इसकी पीएच 7 से ज़्यादा है। एंड इन द सिमिलर मैनर यू कैन फाइंड आउट द एसिडिक सॉल्यूशन और द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल। सो दिस इज़ द सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द पीएच मीटर। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद द पीएच मीटर बाय दिस वे, दैट इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड। Basically, this electrode is called the pH electrode connected to a meter. इसमें होता क्या है कि इसमें बकायदा तौर पे एक मीटर लगा होता है, और मीटर के ज़रिए बकायदा तौर पे आप किसी भी सॉल्यूशन की जो pH रेंज होती है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये समझे, मैं एक मीटर आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, उस तरह का एक मीटर होता है, एंड दिस मीटर इज़ नॉर्मली गिव्स द रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स एज वेल एज आप ये भी कह सकते हैं कि स्केल्स इस पर लगे होते हैं, तो स्केल और डिजिटली ये रीडिंग देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो मैंने आप इस वक्त सामने आपके मीटर रखा हुआ है, ये स्केल है, स्केल की शक्ल में आपको ये रीडिंग देगा, जिसमें पीएच की वैल्यू 7 से कम भी होंगी और 7 से ज़्यादा, यानी यहाँ पर आपको 7 to 14 और यहाँ से बिलो 7-0 तक वैल्यू आपको मिलेंगी। तो ये तकरीबन ये आपका पीएच मीटर हो जाता है। तो पीएच मीटर में एक अहम बात ये होती है कि इसमें आपको जो रीडिंग है वो बकायदा तौर पे स्केल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में नंबर्स की शक्ल में भी हासिल होती हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू दिस मीटर। तो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसके साथ क्या बनाएंगे, इसके साथ हम कुछ वायरिंग अटैच करेंगे, और ये वायरिंग जो है वो क्या है, ये वायरिंग किसके साथ अटैच है, यानी बकायदा तौर पर वायर्स के ज़रिए ये एक इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है, जिसको हम कह रहे हैं पीएच इलेक्ट्रोड। ये क्या चीज़ है, पीएच इलेक्ट्रोड, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को हम डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, एंड आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन व्हाट यू विल ऑब्ज़र्व कि हमारा जो भी ये सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने ये अपनी इलेक्ट्रोड डिप की हुई है, फौरी तौर पर डिप होने के बाद बकायदा ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जिनके ज़रिए यहाँ पर स्केल्स के ज़रिए शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्केल जो है वो एक्सेलरेट करेगा, और अगर स्केल जो है वो 7 से कम की वैल्यू पे आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू आपकी इस वक्त अगर बन रही है 5, यानी पीएच की वैल्यू हमारी 5 पर आ रही है, तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर ये कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 5 पे वैल्यू है, तो ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। तो बहुत ही आसान और कन्वीनियंट मेथड होता है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए, जिसमें पूरा जो सेटअप है वो क्या है, सिर्फ आपकी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पीएच इलेक्ट्रोड, ये आपका है पीएच इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द वायर, वायर के ज़रिए किससे अटैच हुआ हुआ है, आपके एक मीटर से, जिसको हम पूरा सेटअप को हम पीएच मीटर भी कहते हैं, और इस पीएच मीटर पर ये स्केल या डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म क्या होगा कि इस तरीके से बकायदा आपके जिस तरह से डिजिटल क्लॉक होती है उस पर बकायदा तौर पर टाइम इस तरह से आ रहा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त अगर टाइम है हमारा 12:45, तो बकायदा तौर पे इस तरह से डिजिट की शक्ल में आपकी पीएच वैल्यू आएंगी। यानी अगर एक सॉल्यूशन के अंदर आपने अपना इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, तो फौरी तौर पे वैल्यू, मिसाल के तौर पे ये तो नहीं आएगा कि पीएच अचानक से एक वैल्यू आपके सामने अपीयर होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यही वैल्यू हम लिख देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 5, तो 5 इंडिकेट ये करेगी कि ये आपकी वैल्यू क्या है, ये पीएच को इंडिकेट कर रही है, एंड लेस देन पीएच 7 इंडिकेट दैट योर नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज़ एसिडिक। So this is the simple method by which you can find out the pH of any solution, either you can say the acidic or alkaline solution. So again, it is much more reliable and accurate method of measuring pH than the universal indicators or universal indicator paper, though the latter often more convenient. और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे
रिलायबल तरीका है, सबसे काबिल भरोसा तरीका है और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पीएच ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पीएच मीटर का इंतखाब किया जाता है। लेकिन हम ज़्यादातर अपनी लेबॉरेटरीज़ में यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की मदद से ही पीएच की वैल्यूज़ जो है वो सॉल्यूशन की फ़ाइंड आउट करते हैं।